ये गाड़ी तो उसका प्रॉब्लम क्या है, मेरा पावर विंडो है ना रियर लेफ्ट का काम नहीं कर रहा। हो क्या रहा है, ऊपर लीजिए नीचे लीजिए, तो नीचे लेने पे ना लाइट चालू हो रहा है, और ऊपर लीजिए ऊपर लेने में ना लाइट चालू नहीं हो रहा। तो लाइट चालू होना चाहिए दोनों तरफ, इसमें सप्लाई आना चाहिए ऊपर नीचे दोनों में आना चाहिए, वायर पलटी होकर आता है। तो प्रॉब्लम क्या वो चेक करेंगे, यहाँ पे वायरिंग वगैरह सब देखना पड़ेगा मेरे को, क्या मिलता है प्रॉब्लम वो देखते हैं फिर उसके बाद आगे बताते आप लोग को। तो यहाँ पे इसका ना पावर विंडो कंट्रोलर आता है, ठीक है, इस जगह पे आता है, देख सकते हैं ये लोकेशन है इसका, मैंने खोल के निकाल के रखा है। तो यहाँ पे चेक करेंगे, ऑपरेट कीजिए। तो यहाँ पे रिले है ना, टक टक आवाज़ करना चाहिए, नीचे लीजिए, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों में आवाज़ आ रहा है, मगर मैंने सप्लाई चेक किया इसमें, ठीक है, ऊपर लीजिए नीचे लीजिए, अर्थिंग ले रहा है क्या, ठीक है, रुक रुक, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ग्राउंड प्रॉपर आ रहा, और ये वाला है ना रियर लेफ्ट साइड, ठीक है, ये वाला फ्यूज है, तो इसका ये दोनों वायर रहेगा मेरे हिसाब से। तो इसको यहाँ पे एक बार चेक करेंगे, पहला ले ऊपर ले नीचे ले, तो नीचे लेने पे लाइट चालू हो रहा है, लेना रे नीचे, हाँ नीचे ले, हाँ नीचे लेने पे लाइट चालू हो रहा है, इस वायर वाले वायर पे है ना ऊपर लेने पे लाइट चालू होना चाहिए, ले ऊपर, ठीक है, हाँ अभी नीचे ले तो नहीं चालू हो रहा कंट्रोलर है, हाँ पार्ट नंबर दे दीजिए, हाँ रुकना दो मिनट रुकना, काम जा काम कर, हाँ तो रुक जरा, हाँ रुक जरा, ठीक है। तो इसका है ना मेरे कंट्रोलर का प्रॉब्लम लगा, इसके अंदर से सप्लाई नहीं निकल रहा, इसके अंदर चार रिले रहता है, तो इसको नया डाल के एक बार चेक करेंगे, नया नहीं है मेरे पास, तो मेरे पास डेमो कार है, उसका लगा के एक बार चेक करेंगे फिर उसके बाद देखेंगे प्रोसेस। हाँ कर ऊपर नीचे, ऊपर किया, हाँ ऊपर नीचे कर नीचे, हाँ अभी ऊपर नीचे कर ऊपर, तो देख सकते हैं अभी दोनों में सप्लाई आना चालू हो गया मेरा, कर हाँ नीचे किया, हाँ ठीक है। तो कंट्रोल इसका पावर विंडो कंट्रोलर का ही प्रॉब्लम है, तो अभी सप्लाई चेक कर लिया मैंने, तो अभी डायरेक्ट एकदम यहाँ पे आके सप्लाई चेक करेंगे, मेरा प्रॉपर अप डाउन होना चाहिए, टेस्ट लैंप लगा है मेरा, उठाइए ऊपर कीजिए, हाँ ऊपर किया ना, ये ऊपर ऊपर करने पे भी लाइट चालू हो गया, नीचे लीजिए नीचे करने में लाइट चालू हो गया, तो मेरा प्रॉपर मतलब मेरा वो कंट्रोलर का ही प्रॉब्लम है। तो अभी सॉकेट लगा के वाइंडर चला के भी चेक करेंगे, तो अभी जी चेक करेंगे तो मेरा पावर विंडो प्रॉपर काम कर रहा है, लीजिए ऊपर, हाँ ठीक है ठीक है। तो अपने पास का डाल के चेक कर लिया मैंने, प्रॉपर काम कर रहा, तो अभी है ना इसका पूरा फिटिंग कर दिया अपने, तो अभी इसका है ना नीचे वाला एक फ्यूज निकाल के रख दिया, तो अभी नया आएगा तो उसके बाद इसको डाल के ले लेंगे, नया है नहीं अपने पास पार्ट, स्कूटर वाइधर ही छोड़ दे, इधर का फ्यूज निकालने से फायदा क्या होगा, अगर इधर का सॉकेट निकाल दो तो ट्रिम छोड़ना पड़ेगा, हाँ हो गया, इधर से अगर सॉकेट निकाल के रखते हो तो ट्रिम खोलना पड़ेगा, उससे मैंने वहाँ से फ्यूज निकाल के दिया तो पावर विंडो काम नहीं करेगा, और कंट्रोलर पूरा नया डालेंगे।